हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जापानी कार होंडा एनबॉक्स का रिव्यू लेके आए हैं। दोस्तों इस गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि जापान की ये शानदार गाड़ी आधी पेट्रोल और आधी इलेक्ट्रिक पे चलती है। आज की वीडियो में जानेंगे इस गाड़ी की क्या कीमत हो सकती है और क्या ये भारतीय बाजार में लॉन्च होगी नहीं, इन सारी बातों को कवर करते हैं। दोस्तों ये इस गाड़ी की सबसे पहले डिज़ाइन के साथ शुरुआत करें तो इस गाड़ी को दोस्तों बनाया गया है जापानीज़ कल्चरल कार जो कि ट्रेडिशनल कार होती है काई कार बेस्ड डिज़ाइन पर। दोस्तों इस गाड़ी की हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो इस गाड़ी को बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है, जहाँ पर इस गाड़ी की कुल लंबाई है 3395 mm, चौड़ाई है 1475 mm और ऊंचाई है 1770 mm की। दोस्तों बात कर लें, इस गाड़ी में 5 दरवाजे दिए गए हैं और इस गाड़ी के अंदर 5 लोग के लिए बैठने की जगह देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस गाड़ी का कुल वजन है 930 किलोग्राम। दोस्तों इस गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका इंजन। इस गाड़ी में दोस्तों आपको देखने को मिलता है सिर्फ 660 सीसी का इंजन जो कि जनरेट करता है 63 bhp का पावर। और दोस्तों ये पावर सुनने में तो काफ़ी कम लगता है, लेकिन जापानी बाजार में ये गाड़ी इतनी सी ही पावर में फोर व्हील ड्राइव और हाइब्रिड ट्रेंड पर काम करती है। दोस्तों इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है शहर के लिए, अगर आप कंजेस्टेड सिटी में चलाते हैं और काफ़ी भीड़ है तो उसके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इसके छोटे इंजन होने के कारण इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा निकल कर आता है। जापानी रोड कंडीशन में दोस्तों ये गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल देती है। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको एसी, हीटर, 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले सपोर्ट और नेविगेशन सपोर्ट करता है। गाड़ी में दोस्तों रियर पार्किंग असिस्ट कैमरास भी दिए गए हैं। दोस्तों इस छोटी सी गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और इसके हायर मॉडल में आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जापानी बाजार पे दिया जाता है। इस गाड़ी में आपको लेन कीपिंग असिस्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग के मामले में, दोस्तों ये गाड़ी की कीमत हो सकती है भारतीय बाजार में 2 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये के बीच में। हालांकि इस बार जो अगर भारतीय बाजार में ये आती है तो इसके अंदर फीचर्स कम दिए जाएंगे, जैसे कि इसमें 660 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, पर इस बार इसमें फोर व्हील ड्राइव और हाइब्रिड ऑप्शन ना देखने को मिले। दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर ये गाड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब ईवी वर्ल्ड।